तो अगर आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है और उसका पेमेंट कर दिया है, आपके खाते से पेमेंट जो है कट चुका है लेकिन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, तो इस दिशा में आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से जो है सीटेट के पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है। एक बार पेमेंट करने के बाद अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता तो आपको 48 घंटे का वेट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, गूगल में टाइप करना है सीटेट 2021, आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। इस माध्यम से आप जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहां से जाकर के जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कॉन्टैक्ट्स का, आपको सिंपली इस पर कॉल कर लेना है। अगर आप यहां पे कॉल करते हैं फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आपको सिंपली उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर मेल आईडी होंगी, आपको इस पर मेल करना है, अपने डिटेल पूरी जो है भर करके, जो भी डिटेल यहाँ पर आपकी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट डिटेल जो भी है आपकी है, डेट यहाँ पे आपको मेल करना है। मेल करने के बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, एक दिन का आपको उधर से रिप्लाई मेल आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका पेमेंट किए हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो आपको दोबारा से पेमेंट कर लेना है, अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। पहला पेमेंट जो आपका था 7 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में उसी माध्यम से आ जाएगा जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया हुआ था। एक पेमेंट मेरा भी जो है फंसा हुआ था, मैंने मेल किया था, उधर से मेल आया था कि आप 48 घंटे का वेट कर लीजिए, अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता तो आप दोबारा से पेमेंट कर लीजिए, आपका जो है उसी माध्यम से आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा। तो मेरा दोस्तों मेरे खाते में वापस आ चुका है, इसलिए मैं वीडियो आपको बना करके बता रहा हूँ कि आप जो इसी तरीके से कर लीजिए, आपका पेमेंट भी जो है वापस आ जाएगा। अगर आपका पेमेंट वापस आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएँ कि आपका पेमेंट वापस आया या नहीं आया। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे जेन्युइन चीज़ आपके बीच लाता रहता हूँ जो कि जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगी जो